श्री कृष्ण ने मुझसे सारे संबंध तोड़ दिए राधा, मैं यहाँ रुकने का अधिकार ही खो चुकी हूँ। विवाह के बंधन ऐसे थोड़ी ना टूटते, किसी ने कह दिया और संबंध नष्ट हो गया क्या? नहीं रुक्मिणी, कृष्ण ने यदि जो कुछ भी कहा उसके पीछे अवश्य ही कोई कारण होगा। हो सकता है उससे भूल हुई हो, मेरी कहने पर एक बार उससे वार्ता तो करो। बात ही तो करने गई थी राधा, किंतु कोई लाभ नहीं। क्षमा कर दो राधा, अरे मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। चलो सारथी। कृष्ण, तुम यहाँ खड़े हो, वहां रुक्मिणी द्वार का छोड़कर जा रही है। कृष्ण, तुम रुक्मिणी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? कृष्ण, तुम मौन क्यों खड़े हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम उचित कर रहे हो? तुम भली भांति जानते हो कि रुक्मिणी ने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, वो मेरे लिए कहा, मेरे लिए किया, हमारे प्रेम के लिए किया। कृष्ण, मुझे लगा था कि तुम प्रेम से उसकी बात समझोगे, किंतु मैं नहीं जानती कि जरा वही है या नहीं। बस इतना चाहती हूँ कि ये मुद्रिका उसे लौटा कर अपना वचन तुम लौटा। कृष्ण, मैंने रुक्मिणी से जो कुछ भी कहा, तुमसे जो कुछ भी कहा, मैं अपना प्रत्येक शब्द वापस लेती हूँ, किंतु रुक्मिणी को द्वारका से जाने से रोको। क्या तुम सत्य कह रही? हाँ, किंतु रुक्मिणी द्वारका से नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। मैं जानती हूँ कि आप मुझे रोकना चाहते हैं श्री कृष्ण, इसीलिए आप बांसुरी बजा रहे हैं। किंतु जब आपने मुझसे सारे संबंध ही तोड़ दिए, तो आप मैं नहीं रुक सकती। रुक जाओ मेरी अर्धांगिनी। सारथी रथ रुको, मुझे जाने दीजिए श्री कृष्ण। जाने से पूर्व एक बार मेरी बात तो सुन लो। आपको जो कहना था वो तो आप कह चुके। मैंने कुछ ऐसा कहा जो मैं कभी कह ही नहीं सकता। क्यों कहा होगा, समझने का प्रयास तो करो। रुक्मिणी, मेरे विचार से तुम्हें कृष्ण की बात एक बार सुन लेनी चाहिए। जानता हूँ हमारे हृदय को बहुत ठेस पहुंची, पर वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें दिया हुआ वचन तोड़ दिया है ना। क्या तुम भी इस बात से सहमत हो रहे थे? यही मैं समझाना चाहता हूँ। मैं ऐसी बात कभी कह ही नहीं सकता, पर आज अब दोनों को सत्य का मार्ग दिखाने के लिए मैं विवश था। सर्वप्रथम आप दोनों से क्षमा चाहता हूँ, मैंने आप दोनों के हृदय को ठेस पहुंचाई, और अब मैं आप दोनों से विनती करता हूँ कि अब मेरी बात ध्यान से सुनो और समझने का प्रयास करो।
आप दोनों वो हो जो कृष्ण को सबसे अधिक प्रेम करते हैं, है ना? आप दोनों वो हो जो इस संसार में सबसे अधिक कृष्ण को जानते हैं, है ना? और केवल मेरी एक बात से आप दोनों के हृदय को ठेस पहुंच गई। ये बात भी उतनी ही सत्य। उस समय किसी को ये बात स्मरण नहीं रही कि मेरे मन में आप दोनों के लिए कितना प्रेम होगा। रही तो बस एक बात स्मरण रहे, वो एक ना स्मरण रहे। ये दुख क्यों हुआ? क्योंकि मैंने वचन तोड़ा। ये दुख है वचन टूटने का। और आप दोनों को दुख हुआ क्योंकि आप दोनों मुझसे प्रेम करते हो, मुझ पे विश्वास है आप दोनों का। इसी प्रकार वो व्यक्ति जरा, उससे पहले मैं कभी नहीं मिला, पर उस व्यक्ति ने मुझ पे नेत्र बंद करके विश्वास किया है। उसने विश्वास किया जब मैंने उससे कहा कि मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हें धनुर्विद्या सिखाऊंगा। और वो धनुर्विद्या इसलिए सीखना चाहता है ताकि अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने संतान को वो भोजन प्रदान कर सके। यदि ये वचन मैं तोड़ता हूं तो उसे कितनी ठेस पहुंचेगी? यदि मैंने ये वचन तोड़ दिया तो उसका मुझसे विश्वास नहीं उठेगा, मानवता से उठ जाएगा। सत्य आप दोनों के समक्ष। यदि आप दोनों अब भी चाहते हो कि मैं अपना वचन तोड़ूं, तो चयन कर लीजिए। रुक्मिणी, तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। आप उचित कह रहे हैं श्री कृष्ण, आप अपना वचन कभी मत तोड़ना। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो। कोई बात नहीं, बस यही बात मैं समझाना चाहता था। तुम्हारा क्या मत है राधा? राधा मान जाओ, यही उचित है। राधा, रुक्मिणी भले ही मान गई हो कृष्ण, परंतु राधा नहीं मानेगी। मैं सब कुछ सहने के लिए, सब कुछ मानने के लिए प्रस्तुत, पर कृष्ण की ये बात मानने के लिए नहीं। राधा अपने कृष्ण को उसकी मृत्यु की ओर जाते हुए नहीं देख सकती। क्या तुम मुझसे इस भयानक स्वप्न को सदैव के लिए दूर कर दो, तो राधा को स्वयं से दूर कर दो। निर्णय तुम्हारा है, इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कहूंगी। राधा, विनती है तुमसे, समझने का प्रयास करो, मैं नहीं मान सकती। ना मैं तुम्हारा स्वप्न दूर कर सकता, ना तुम्हें राधे। बस ये आशा रख सकता हूं कि तुम्हें और तुम्हारे प्रेम को ये समझा सकूं कि प्रारब्ध बदला नहीं जा सकता, जो होना है वो होकर रहेगा राधे। प्रारब्ध बस स्वीकारा जा सकता है। कुछ ही क्षण शेष है राधा कृष्ण के लिए, बस यही आस है कि वो क्षण आनंद और प्रेम से हम बिताए। रुक जाओ कृष्ण,
जो समझाने आए हो उसका कोई लाभ नहीं है। मैं तुम्हें कुछ समझाने नहीं आया। बस देखने आया हूँ कि तुम्हारा घाव ठीक हुआ है या नहीं। कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हें क्या, तुम्हें किसकी चिंता है? तुम तो बुद्धिमान हो, किसी को भी कुछ भी समझा लेते हो। शनु, किसकी बात मानते हो? रुक्मिणी की भी बात नहीं मानी, उसको भी अपनी ओर कर ली, सब तुम्हारी बात मान जाते। किसी भी पीड़ा पर पहली औषधि होती है उसे स्वीकार करना। स्वीकार करना होगा राधे कि जो कर्म हमने किया है उसका फल हमें मिलेगा। जहां कृष्ण का आरंभ हुआ है वहां कृष्ण का अंत भी तो। ऐसी बात मत करो। कृष्ण अमित है, सर्वशक्तिमान है, ब्रह्मांड में कुछ भी कर सकता है, यही सत्य है। कृष्ण सोच के देखो राधा, यदि मैं अपने ही नियमों का पालन ना करूं तो ये संसार, क्या ये संसार मुझे पालनहार मानेगा? मुझे आराध्य मानते हैं लोग, क्या वो तब भी मानेंगे? बस हर बात के अनुरूप एक ही तर्क है तुम्हारे पास, कर्म, धर्म, मर्यादा और प्रेम, उसका क्या प्रश्न? मैं तर्क से परे हूं, क्योंकि प्रेम तर्क से परे, बुद्धि से परे, हृदय में रहता है प्रेम। चले जाओ यहां से कृष्ण, तुम भूल गए हो कि पीड़ा क्या होती है। कितना दुख होता है जब जो चाहो वो मिले ना। तुम मेरी पीड़ा नहीं समझ पा रहे हो, बस तर्क के कांटे उसमें छुपाए जा रहे हो। तुम नहीं जाओगे ना, ठीक है, मैं चली जाती। कृष्ण मेरी चुनरी छोड़ो, कृष्ण मुझे छोड़ो। कृष्ण ये क्या किया, कहाँ हो गया ये? तो तू क्या करता, राधा को तो पीड़ा में नहीं देख सकता ना। कृष्ण तुम यही रुको, मैं अभी औषधि लेकर आती हूँ, तुम बैठो वहां, मैं अभी आई। कभी कभी अपनी प्रेमी की पीड़ा हरने के लिए स्वयं पीड़ा भुगतनी पड़ती है, उस अनुसार तो ये पीड़ा अत्यंत अच्छी है।